हाय स्टूडेंट, GIT ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमको फंडामेंटल में यानी कि इनपुट डिवाइस के बारे में जानना हो तो क्या होगा। क्योंकि हमने इनपुट डिवाइस बताया था कि जिसके माध्यम से हम अपने डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिसे हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। अब आज की क्लास हम लोग जानेंगे माउस के बारे में, फिर माउस के बाद हम लोग जानेंगे स्कैनर के बारे में, और स्कैनर के बाद हम लोग जानेंगे OCR के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हमने आपको शुरू शुरू में क्या बताया था कि जब हम जाते हैं अपने कंप्यूटर पे काम करने के लिए तो सबसे पहले हमको चार कंपोनेंट्स आवश्यकता पड़ती है। कितने कंपोनेंट्स की? चार। पहला हमको आवश्यकता पड़ता है CPU का। किसका? CPU की आवश्यकता पड़ती है। और चलिए सबसे पहले हमने लिया CPU। CPU के बाद आवश्यकता पड़ता है किसका? मॉनिटर का। किसका? मॉनिटर का। और मॉनिटर के बाद आवश्यकता पड़ता है किसका? आवाज से इसमें नहीं, मॉनिटर। और मॉनिटर के बाद आवश्यकता पड़ेगा किसका? कीबोर्ड का। कीबोर्ड के बाद माउस। यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास चार कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे हम अपना एक कंप्यूटर तैयार करें। क्लियर है? तो चार कंपोनेंट्स के बाद से चलाने के लिए तीन कंपोनेंट्स चाहिए होगा। पहला यूजर, दूसरा क्या? हार्डवेयर। और हार्डवेयर के पास अगला क्या? सॉफ्टवेयर। ये हमने बताया था ना, जब ये चार तीन कंपोनेंट्स मिलकर चलने लगा कंप्यूटर, इसका प्रोसेस होता है क्या? इनपुट। क्या होता है इनपुट? इनपुट के पास क्या होता है? प्रोसेस। और प्रोसेस के पास से आउट। प्रोसेस के पास क्या होता है? आउट। तो सबसे पहले हम पढ़े किसके बारे में? इनपुट के बारे में। किसके बारे में? इनपुट। इनपुट क्या है? हमने इनपुट में ये बताया था कि जब हम अपने कंप्यूटर पे क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं। या इनपुट का डेफिनेशन पूछा था, हम ये कह सकते हैं कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसों को रखा गया है जिनके माध्यम से हम अपने डाटा या इंट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। अब इस इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हमने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? कीबोर्ड में टोटल कितने बटन होते हैं और कैसे काम करते हैं। और आज की क्लास में वो जानेंगे माउस के बारे में। किसके बारे में? माउस। माउस क्या है? देखिए, जब भी हम माउस पे जाते हैं ना तो ऐसे कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा। माउस दिख रहा है ना? अब इस माउस में सबसे पहले हम बात करें किसकी? इसमें बटन की। तो कीबोर्ड में या तो 84 बटन था या तो फिर 107 बटन था, यही था ना? या तो 84 या तो 107। लेकिन जब यही हम अपने माउस में आते हैं तो अगर जो मैनुअली रूप से मुख्य रूप से देखा जाए बस दो ही बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? दो। लेकिन अगर वैसे देखा जाए मैनुअल कहाँ होते हैं, बटन कितने होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वैसे बटन कितने होते हैं? तीन। पहला लेफ्ट, दूसरा होता है राइट, ये स्क्रॉल व्हील, और तीसरा होता है राइट। लेफ्ट, स्क्रॉल व्हील और राइट, इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। तीनों का क्या है? अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले अब हम ये समझने का, आखिर ये माउस कैसा डिवाइस होता है। देखिए यहाँ बता रहा है माउस के बारे में, जो यहाँ पे कह रहा है क्या, द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूजफुल यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है? सबसे ज्यादातर यूज होने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जो नीचे दे रहा है, माउस सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या? कीबोर्ड लगा है लेकिन आपके कंप्यूटर में कहीं पता चलता है कि कीबोर्ड लगा हुआ है? नहीं पता चलता है ना? लेकिन वही कीबोर्ड में माउस लगा है तो माउस का पॉइंटर आपको दिखता रहता है। आया समझे ना? इसीलिए माउस को कौन सा डिवाइस कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। आया कह रहा है, एज द माउस इज मूव इट्स मोमेंट्स आर मिरर्ड बाई द ऑन स्क्रीन पॉइंटर। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो अपनी स्क्रीन पे कर्सर को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे लेके जाना है तो हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दे रहा है फोर मैन फंक्शन बाय माउस, कि माउस के द्वारा चार सबसे ज्यादातर काम होते हैं। क्या? तो सबसे पहला कह रहा है क्लिक। सिर्फ क्लिक करेंगे तो क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। और सिर्फ क्लिक करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकेंगे? सेलेक्ट कर सकेंगे। आगे कह रहा है डबल क्लिक। अगला क्या कह रहा है? डबल क्लिक। जब डबल क्लिक करेंगे ना तो हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? ओपन कर लेंगे। क्या कर पाएंगे? ओपन कर पाएंगे। और उसके बाद से दे रहा है क्या? राइट क्लिक। क्या दे रहा है? राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या?
किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटिव ऑप्शन ओपन करने की, कि कोई और जो ऑब्जेक्ट है और उससे रिलेटिव और हमको ऑप्शन जानना है तो कौन सा बटन दबाना होगा। राइट, जैसे सपोज करिए और हम कहीं काम कर रहे हैं। और जब हम अपने डेस्कटॉप पे ही काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप कौन सा लोकेशन ये पता होगा नहीं? इसी बैठ जाओ इसमें। पर क्या इसी करना हमको अब अपने डेस्कटॉप पे कोई काम करना है, अगर जो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने एप्लीकेशन बनाया है ना इससे रिलेटिव हमको कोई ऑप्शन जानना है तो कौन सा बटन दबाएंगे। राइट क्लिक कर, कौन सा बटन, राइट। यानी कि राइट क्लिक करने से क्या होगा, इस ऑप्शन से रिलेटिव यानी कि इस ऑब्जेक्ट से रिलेटिव जितना भी ऑप्शन होगा वो सारा डिस्प्ले पे दिखाई देने लगेगा। तो अभी हमने आपको दो बटन, इसमें कौन कौन से बटन बताया कि सबसे पहले तो इसका काम होता है क्या करना, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना, सेलेक्ट करना। और डबल क्लिक करेंगे तो हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और उसके नीचे हमने बताया राइट क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट से रिलेटिव ऑप्शन जान सकते हैं कि आपको रीनेम करना है या फिर डिलीट करना है या फिर कॉपी करना है, ये सारा जो आपको ऑप्शन जानना है तो राइट क्लिक करना। और राइट क्लिक के बाद नीचे दे रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, एक स्थान से हम ड्रा करके कहीं और लेके जा सकते, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कह रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए, लोकेशन का मतलब क्या, जैसे सपोज करिए हम अपने इस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, काम करते रहे डेस्कटॉप पे चले गए तो ये लोकेशन चेंज करना, हम लोग आइकन क्या करते हैं यहाँ से उठा के यहाँ चेंज करते हैं ना, लोकेशन इसका क्या हो रहा है चेंज। तो कैसे, हाँ सेम वही टॉपिक, करना क्या है, हम ये चाहते हैं इस ऑप्शन को हम यहाँ से हटा के यहाँ रख सके तो उसके लिए हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। क्या करना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे और ड्रा करके जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लेके चले। तो ये क्या कहलाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस के टोटल कितने फंक्शन हो गए, चार। कितने फंक्शन हो जाएंगे, चार। पहला क्या, क्लिक करें तो सेलेक्ट करेगा, दूसरा डबल क्लिक करेंगे तो ओपन करेगा, तीसरा राइट क्लिक करें तो उससे रिलेटिव ऑप्शन लाएगा, और चौथा और जो लोकेशन चेंज करना तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि इनपुट डिवाइस में जब आप जाएंगे तो पहले हमने कीबोर्ड पढ़ा था, कीबोर्ड के पास क्या है, ये माउस। क्या है, माउस। माउस क्या है कि जिसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अपने इंट्रक्शन को अपने कंप्यूटर के अंदर देने की, हम कोई काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को निर्देश देना है ये काम हमको ऐसे करना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, माउस का, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। क्लियर है। अब इसके बाद से, माउस के बाद से आता है अगला हमारा डिवाइस क्या है, स्कैनर। माउस के पास क्या आता है, स्कैनर। तो लगभग आप लोग स्कैनर देखे होंगे ना, स्कैनर क्या करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर लेकर के चला जाता है। देखिए दो फॉर्मेट होता है, पहला फॉर्मेट होता है सॉफ्ट का और दूसरा फॉर्मेट होता है हार्ड। दूसरा फॉर्मेट किसका होता है, हार्ड का। ये सॉफ्ट क्या और ये हार्ड क्या, कि जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है हमारा डिस्प्ले दिखाई दे रहा था तो वो किस फॉर्मेट में है, शॉर्ट फॉर्मेट। और जब एक पेज हम बाहर निकालेंगे वो किस पेज पे आ जाएगा, हार्ड फॉर्मेट। तो सॉफ्ट फॉर्मेट से हार्ड फॉर्मेट में करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर। लेकिन वही अगर जो हमको क्या करना हो, हम ये चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में हार्ड से हम कन्वर्ट कर सके किसमें, सॉफ्ट कॉपी, यानी कि हार्ड कॉपी से अब किसमें कन्वर्ट करना है, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर। कैसे, देखिए इसमें क्या रहा, सबसे पहले स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते। अगर जो सबसे पहले हम ये कि हम अपने कंप्यूटर पे जाएंगे स्कैनर के साथ, तो स्कैनर पे क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं तो स्कैनर स्कैन करके और वो सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर क्या कर देता है, इनपुट करा देता है। इसलिए कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस में कह रहा है जिसके द्वारा हम किसी फोटो या डॉक्यूमेंट को स्कैन
कर सकते हैं। जैसे मैनुअली आप लोग देखे होंगे, हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरते समय क्या करना होता है, फोटो अपलोड करना होता है। क्या करना होता है, फोटो अपलोड करना होता है। वो फोटो आखिर कंप्यूटर में कहाँ से जाता है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। स्कैन करके कंप्यूटर में क्या करेंगे, इमेज के रूप में सेव कर लेंगे, और बाद में आगे जो हमको काम करना होगा अपना काम कर सके। जैसे आगे दे रहा है इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। ये डिजिटल फॉर्मेट क्या है, तो जब तक अभी हमारे नोट्स पे है तब तक वो हार्ड फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में है, हाँ और जैसे अगर जो हमारे कंप्यूटर में चला जाएगा वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट। तो जो हमारे स्कैनर होता है किसमें कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्मेट में। और आगे कह रहा है हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट ETC को सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अभी हमने बताया कि जब तक आपकी एक कॉपी पे है तब तो किस फॉर्मेट में है, हार्ड फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में है, हार्ड। और जब आपके वो कंप्यूटर में चला जाएगा तो वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा, सॉफ्ट फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में, सॉफ्ट। अब आगे कह रहा है इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का मतलब क्या हुआ, अब आप बताइए, जब तक आप अपने कंप्यूटर में हैं तो आपको कंप्यूटर में देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी ना। सपोज करिए कोई एक फोटो है, वो हार्ड कॉपी में हमारे पास एक पेपर पे है, तो जब चाहे तब हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जब उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर देंगे, किसी डिवाइस में रख लेंगे, तो जब तक उसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया जाएगा तब तक वो ओपन होने वाला, वही क्या करता है स्कैनर, कि हमारे फोटो या डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में क्रिएट कर देता है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी देख पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप उसको देख। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्कैनर है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलने का काम करता है। क्लियर है। इसके बाद से अगली डिवाइस आपकी आती है क्या, OCR। अगली डिवाइस क्या है, OCR। अब OCR में देखिए, OCR का फुल फॉर्म दे रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या दे रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे आप लोग देखेंगे बहुत जगह ऐसे स्कैन करते हैं ना, कुछ ऐसे डिवाइस के जैसा होता है ये, रिमोट के जैसा, आ समझे ना, कॉपी के ऊपर ऐसे स्कैन करते जाएंगे, लेते जाएंगे और स्कैन करता जाएगा टेक्स्ट, स्कैनर का वो भी काम करेगा, बट अंतर दोनों में डिफरेंट क्या है, आ समझे ना। नहीं फास्ट की बात नहीं, अगर जब हम स्कैनर से स्कैन करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को हम एडिट नहीं कर पाएंगे, आ समझे ना। लेकिन वही OCR से करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को हम आसानी से एडिट कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए अभी एक कॉपी पे कुछ लिखा गया है, कॉपी में कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया है, हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर लेके चले जाओ, तो हम या तो जो किसका OCR का यूज कर सकते हैं या तो फिर स्कैनर। स्कैनर का यूज करेंगे हम उसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कॉपी पे कुछ लिख दिया, मान चलिए आपने कॉपी पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख दिया, स्कैनर से करेंगे तो स्कैनर जब जाएगा तो उसको एडिट नहीं करने देगा, बस जो लिखा रहेगा वही आएगा। लेकिन वही अगर हम क्या करें अपने कंप्यूटर में OCR के माध्यम से स्कैन करेंगे, उसको एडिट भी कर देगा, एडिट का ऑप्शन देगा। जैसे अगर जो आपने गायत्री इंस्टीट्यूट में कहीं मीनिंग गलत लिखा है, आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते। हाँ कैसे, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा, पहले क्या कर दिए, पहले कोई डॉक्यूमेंट लिख दिए और उसको हम चाहते हैं बाद में क्या कर सके, एडिट कर सके, तो ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे, क्या करता है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते। जैसे देखिए इसमें दे रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर, अंक या चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। और जो कोई कागज है ना उसके ऊपर और किसी विशेष प्रकार का कोई अक्षर या अंक है या फिर कोई चिन्ह है उसको स्कैन करने के लिए हम OCR का इस्तेमाल करते हैं। OCR डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, हाँ किसके रूप में स्कैन करता है, टेक्स्ट के रूप में। अब आप बताइए अगर जो इमेज है, इमेज में कहा जाए आप कुछ एडिट करें तो एडिट कर पाएंगे, कुछ एडिट कर पाएंगे,
जैसे सपोज करिए आपने किसी नोट्स पे कोई कुछ लिख दिए, कुछ भी आपने डेमो के रूप में कुछ लिख दिया, अब उसको आपने फोटो से फोटो क्लिक कर लिया या फिर कंप्यूटर के स्कैनर पे रख के आप उसको स्कैन कर लो, इमेज के रूप में चला जाएगा। जब इमेज के रूप में चला जाए तो आप उसको एडिट करना चाहें तो एडिट नहीं, लेकिन स्कैनर क्या करेगा, किसी इमेज के रूप में नहीं लेके जाएगा बल्कि एक टेक्स्ट के रूप में लेके जाएगा, कि जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट को स्कैन करेगा, बाकी और किसी को स्कैन नहीं करेगा। और आगे कह रहा है अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसे एडिट भी किया जा सके, टेक्स्ट फाइल बनाएगा जिनको हम क्या कर सकते हैं बाद में एडिट भी कर सकते। जैसे समझने के लिए ब्राउजर पे आ गए, ब्राउजर हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ मोटिवेशनल कोट सर्च कर लिए, क्या सर्च कर लिए मोटिवेशनल, इमेज में आ गए, आपको बहुत सारा मोटिवेशनल कोट दिखाई दे रहा हो, चलिए हम इसी को सेव कर लेते हैं, राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे सेव इमेजेस, लोकेशन कहाँ दे दिए डेस्कटॉप, डाउनलोड नाम से या फिर हम सिर्फ इसका नाम दे रहे हैं क्या IMG इमेज नाम से कर लिया यहाँ से क्या सेव। तो अब ये देखा देखे ना, ये इमेज के रूप में क्या हो चुका है यहाँ पे सेव हो चुका, किसके रूप में सेव हुआ है इमेज के रूप। यदि हम इसको एडिट करना चाहें ना तो कुछ एडिट नहीं हो पाए, जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल लिखा है और जिसमें मीनिंग का मिस्टेक हो या फिर कुछ एडिट करना है, अभी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं इसको एडिट कर सकें तो हमको किसके माध्यम से स्कैन करना होगा, OCR के माध्यम से। OCR क्या करेगा ना, वो इमेज के रूप में नहीं लेके जाएगा बल्कि एक टेक्स्ट फाइल के रूप में लेके जाएगा। टेक्स्ट फाइल आप लोग नोटपैड पढ़े हैं ना, नोटपैड ओपन करना बताए थे, कुछ डॉक्यूमेंट लिखना बताए थे, सर्च कर लिए नोटपैड, ये नोटपैड के टेक्स्ट फाइल में बनाएगा। तो जब आप कुछ लिख दिए हैं और बाद में एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट भी कर सकते, हो जाएगा। कैसे बनाता है ये तो देखिए आगे कह रहा है, नया सबसे पहले यहाँ पे OCR के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर के अक्षर और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है, यानी किसके द्वारा किसको किसको पढ़ा जा सकता है, तो चाहे आपका क्या हो कंप्यूटर के द्वारा छपा हुआ कोई अक्षर हो या फिर क्या हो कैश रजिस्टर हो या फिर आगे दिया क्रेडिट कार्ड हो, यानी कि ऐसे जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा आप उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं स्कैन करके एडिट कर सकते हैं। आगे दे रहा है OCR विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है, अब ऐसा नहीं कि कुछ किसी लैंग्वेज में लिख रहे स्कैन कर लेगा, कि जो विशेष प्रकार से लिखा गया होगा बस उसी को स्कैन करेगा, सभी लैंग्वेज को स्कैन नहीं करेगा। क्यों कह रहा आगे, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं, OCR इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज में बदलता है। अब देखिए ये भी क्या करता है, जब स्कैन कर लेता है ना तो सबसे पहले किसके रूप में सेव करता है इमेज के रूप में, और फिर बाद में क्या करेगा प्रत्येक अक्षर की तुलना करेगा, प्रत्येक अक्षर की क्या करेगा तुलना, कि कौन सा अक्षर किस रूप फॉन्ट से कैसे लिखा गया है, और जैसे वो तुलना कर लेगा ना, जब तुलना कर ले जाएगा मैच कर ले जाएगा उन्हें कैरेक्टर में बदल देगा। सपोज करें इमेज में और आपने कॉल लिखा, सबसे पहले वो क्या करेगा स्कैन करके मैच कराएगा कि सच में ये कॉल लिखा है कि नहीं लिखा है, यदि कंप्यूटर को लग नहीं ये कॉल लिखा गया है उसको कैरेक्टर में चेंज करेगा, अब ये इमेज में नहीं है और आप इसको एडिट कर सकते। ऐसे जो भी हमको काम करना है जो भी कुछ स्कैन करना वो किसके माध्यम से स्कैन करेंगे OCR, क्लियर है। अब OCR के बाद से अगला आपको एक दिखाई देगा, इसमें क्या जुवास्टिक, अगला क्या दिखाई देगा जुवास्टिक, लगभग लगभग जुवास्टिक आप लोग देखे होंगे, जहां पे वीडियो गेम खेला जाता है ना, वीडियो गेम को नियंत्रित किया जाता है वहां पे ज्यादातर जुवास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप लोग जगह जगह देखे होंगे गेम सेंटर होता है। देखिए कह रहा है जुवास्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कब होगा
इसका प्रयोग बराबर इसलिए सिर्फ वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है क्योंकि एक साथ इसमें आप कई सारे बटन को दबा सकते हैं। लेकिन माउस हम एक साथ कितना बटन दबाएंगे, दो से तीन, उससे ज्यादा कोई बटन नहीं दबा सकते, लेकिन काम एक ही जगह करेगा। और जब हम यहाँ माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड कर लिए तो जब तक हम आगे ये छोड़ेंगे तब तक राइट वाला बटन कोई काम नहीं करेगा। कैसे? तो इसमें कह रहा है, और आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। लगभग सपोज करिए कि आप लोग रेसिंग गेम वो खेले होंगे, रेस गेम खेलते हैं लोग ना, क्या है मान के चले कि हमारे एक स्क्रीन हो गया, आदे तो फाइन तो क्या हुआ नमस्ते। हाँ स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे हमको क्या करना है, सपोज हम कार यहाँ पे रेसिंग गेम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं। इसमें क्या होता है, इधर आपका ब्रेक रहेगा, इधर आपका क्या रहेगा, एक्सीलेटर रहेगा, ये रहता है ना। इसको दबाएं तो स्पीड बढ़ेगा और इसको दबाएं तो स्पीड हमारा क्या होगा, स्लो होगा, यानी कि रुक जाएगा। इसके बगल में आप लोग देखे होंगे ना, तो कई सारे ऐसे होते हैं ना जिसमें हैंडल भी दिया होता है। इसमें क्या दिया होता है, हैंडल, कि जैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे ना वैसे आपका ये वाहन क्या होगा, कंट्रोल होगा। और कई जैसे इसमें क्या हॉर्न का भी सिंबल दिया होता है, ये दबाइए था ये हॉर्न जैसा आवाज करेगा। अब आप बताइए, माउस से यदि आप यहाँ पे क्लिक किए हैं, स्पीड आपका बढ़ रहा है, अचानक से जब सामने आया, अगर जो आप यहाँ पे आए तो कुछ समय लगेगा ना, तो जब तक हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तब तक हमारा गेम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, आया समझे ना। लेकिन माउस में ये जॉयस्टिक में क्या होता है, एक साथ अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं, अगर जो आप एक बार यहाँ दबाए हैं ना उसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर भी दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ दबाएं, चाहते हैं यहाँ डायरेक्टली हमको यहाँ पर दबाना है तो जॉयस्टिक के माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बटन को, उस बटन को प्रेस कर सकते। जैसे देखिए आगे दे रहा है कि यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम को खेलने में काम आता है, कि आपको कोई वीडियो गेम खेलना है ना आप इसकी मदद से आसानी से खेल सकते हैं। अगर जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद करते, कि जो भी आपको प्रोग्राम ओपन करना हो या फिर क्लोज करना हो, तो अगर जो आपको ऐसा कोई भी काम करना है तो जॉयस्टिक उस प्रोग्राम को क्या करेगा, शुरू करने में मदद करता है कि कैसे आपको एप्लीकेशन ओपन करना हो। और उसके क्या कह रहा है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेनों, ट्रकों, पहियेदार कुर्सियों, निगरानी कैमरों, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों और आज दे रहा है एरोप्लेन। और ये देखा जाए ना बहुत सारे ऐसे क्रेन होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जेसीबी देखे हो, जेसीबी होता है ना उसमें कुछ इसी प्रकार से लगाया गया हो, अंतर ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला है तो वो ऑयल से चलने वाला है, आ रहे समझे ना, कि जैसे जैसे हम उसको क्या करते हैं आगे ले जाते हैं तो प्रेशर वो क्या करता है आगे ऊपर उठाता है, पीछे करते हैं तो नीचे करता है, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में लेके जाता है और राइट करते हैं तो राइट में लेके आता है, आ रहे समझे ना। और फिर आगे आप लोग देखें कुछ ऐसे भी ट्रक होते हैं जिनमें ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, आगे दिया पहियेदार कुर्सियों, आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे व्हील चेयर होते हैं ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला जो होता है ना उसमें ये लगा जरूर होता है, जॉयस्टिक लेफ्ट में जाना तो लेफ्ट कर की तरफ करिए लेफ्ट में लेके जाएगा, राइट तरफ जाना राइट करिए तो राइट में लेके जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो ज्यादातर जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला तरह निगरानी कैमरों, तो आप लोग ड्रोन कैमरा देखे होंगे ना, ड्रोन कैमरा उसके साथ छोटा सा एक रिमोट जैसा आपको दिखाई दे रहा हो जिससे कंट्रोल किया जाता है, आ रहा समझे ना। तो उसमें कुछ इसी प्रकार के दो हैंडल लगाए गए होते हैं जो उसकी दिशा और उसके स्पीड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, आ रहा समझे ना। और जो कोई निगरानी कैमरा है हम उसको चाहते हैं एक दिशा से दूसरे दिशा में घुमा सकें तो फिर किसके माध्यम से घुमाएंगे, जॉयस्टिक। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है, जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं, जॉयस्टिक कंप्यूटर को चारों दिशा की बराबर जानकारी देता है, कि एक साथ हम चाहे तो चारों दिशा में एक साथ घुमा सकते हैं, आया समझे ना। और ये कंप्यूटर क्या करता है, चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देता है, जैसे और जो कर्सर हमारे यहाँ पे है, आया समझे ना, माउस लेके यहाँ पे एक ही दिशा में लेके जा रहा है ना, एक ही दिशा में लेके जा रहा है,
लेकिन वही अगर हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कंप्यूटर को चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देगा कि लेफ्ट साइड में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो राइट साइड में भी आप ये काम कर सकते। ये सारा फंक्शन किसके माध्यम से होगा? जॉयस्टिक। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे, जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ सकता है और उसके आधार पर अपना काम कर सकता है। जॉयस्टिक क्या करे, जैसे जैसे हम फंक्शन देंगे ना वैसे वैसे आसानी समझ जाए क्या करना और कैसे करना है और अपना प्रॉपर वो काम करता हुआ चला गया। क्लियर है? अब देखिए आज अभी हमने आपको क्या क्या बताया, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया इसमें, माउस के बारे में। किसके बारे में? माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से अपने कंप्यूटर में डाटा इंस्ट्रक्शन या अपने निर्देश को अपने कंप्यूटर के अंदर देते हैं। वो कौन सा डिवाइस है? माउस। अब माउस हमने आपको चार फंक्शन बताया, कौन कौन? तो पहले हमने आपको बताया फोर मेन फंक्शन। इन पहला, क्लिक करें किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? सेलेक्ट। जैसे डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे आने के बाद हम क्या कर दिए? क्लिक, सेलेक्ट कर लिया। डबल क्लिक करेंगे उसको क्या कर लेगा? डबल क्लिक करते उसको कर लेगा ओपन। हो जा रहा है, ये हो गया दो फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या, जब राइट क्लिक करेंगे ना तो इससे रिलेटिव आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज, रीनेम, डिलीट, क्रिएट शॉर्टकट, कट, कॉपी, ये सारा काम हम राइट क्लिक करके कर सकते हैं। और अगला, राइट क्लिक करने के बाद से ये तो ऑप्शन हो गया, फिर तीसरा हमने आपको ऑप्शन बताया ड्रैग एंड ड्रॉप, लोकेशन चेंज करने। ये यहाँ पे है, यहाँ लेके आना चाहते हैं, ड्रैग करके यहाँ लेके आ जाओ, हो जाएगा। इसके बाद से माउस फंक्शन के बाद हमने आपको बताया स्कैनर। स्कैनर क्या था? कि जो हमारे सभी डाटा को, यानी कि एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या कर सकता है, बदल सकता है। वो क्या होगा? स्कैनर। और फिर अगला हमने आपको बताया ओसीआर। क्या होता है ओसीआर? यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कि जो क्या करता है विशेष प्रकार के फ़ॉन्ट को स्कैन करता है, बाकी सबको स्कैन नहीं कर सकता, और इसके द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम एडिट कर सकते। और इसके बाद अगला हमने आपको बताया जॉयस्टिक। अगला हमने आपको क्या बताया? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? इसको माउस के स्थान पे यूज किया जाता है। किसके स्थान पे? माउस के स्थान पे। और इसका ज्यादातर इस्तेमाल वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कोई वीडियो गेम खेल रहा है, उसको रोकना है, कंट्रोल करना है, हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल आसानी से कर। क्लियर है ना? हाँ, अभी इसमें जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये थोड़ा सा लंबा में दिया था ताकि समझा सके हम। आप लोगों को ट्रिपल सी का बुक अगर जो नहीं मिला हो तो ऑफिस में जाकर आप लोग ले लीजिएगा। उस ट्रिपल सी के बुक में जो आप लोग जाएंगे ना, इन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में एक एक करके शॉर्ट में दिया है। हाँ, एडमिशन हुआ तो मिलेगा, ये कुछ मिला नहीं है ऐसा तुम्हारे पास है ना? तुमको मिला है जी रानी? उस बुक्स में अगर आप लोग देखेंगे, जाकर बुक्स ले लेंगे। अभी नहीं आया? हाँ, और नहीं आया तो फिर पता कर लीजिए कब आएगा, जब आएगा तो आप लोग ले लीजिएगा। उसमें क्या होगा कि आपको ये सभी डिवाइस के बारे में उसमें दिया हुआ, जैसे हम आपको समझाते जाएंगे लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग देख के समझ जाएंगे, उसमें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने जॉयस्टिक क्या बताया वो उसमें आसानी से देख के समझ जाएंगे, जॉयस्टिक क्या काम कर। क्लियर सबको ना? हाँ, डिफरेंट दोनों में क्या मिलेगा, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग दिया गया ताकि आप समझ सकें, और उसमें जाए बस शॉर्ट में दिया गया होगा कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आ रहा समझ में ना? हम ये समझ सकते हैं कि जो जॉयस्टिक डिवाइस होगा, जॉयस्टिक का काम क्या होगा कि वीडियो गेम को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ओसीआर क्या करेगा? तो किसी भी फॉन्ट को स्कैन करेगा और स्कैन करके उसका टेक्स्ट फाइल बना दे जिससे हम किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएंगे। और उसके बाद स्कैनर, स्कैनर क्या करता है कि किसी भी हार्ड फॉर्मेट को हम शॉर्ट फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये पढ़ के आ जाइएगा, माउस, माउस के पास स्कैनर, ओसीआर और जॉयस्टिक। अगली क्लास में आपको पहले कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे और प्रैक्टिकल के बाद इन सभी डिवाइसेस के बारे में बताएंगे, माइक्रोफोन क्या है, वेब कैमरा क्या और टच पैड। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग। ठीक है।